वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आप सबको खुश आमदीद कहते हैं फरमान भाई के चैनल पर। और रोज़ की तरह व्लॉग का आगाज़ फिर घर से कर रहा हो, और क्योंकि कई दिनों से लगातार बाइक स्टार्ट होती नहीं है, आप लोगों के लिए वीडियो वो भी बनाई है। तो पूरे बाज़ार छानबीन करके एक दुकान पे मुझे मिली है बैटरी। तो सीधा सीधा सबसे पहले मोटो व्लॉगिंग भी और बैटरी लेने चलते हैं। और वो क्योंकि बाज़ार में मिली नहीं तो साइड पे एक दुकान मिला है बहुत दूर जाकर, मतलब बाज़ार से बहुत दूर जाकर उधर साइड पे एक दुकान मिली है। तो उससे फाइनली YBR की बैटरी मिल चुकी है। तो सबसे पहले वो डलवाने जाते हैं, क्योंकि बैटरी सुबह बहुत ही तंग करते, बहुत ही ज़्यादा तंग करता है बाइक। तो सबसे पहले बैटरी, उसके बाद आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहेगी। तो बहुत तंग हो गए हैं व्यूअर, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो, बड़ी बैटरी भी लेकर आए हो, छोटी इसे निकाल ली है और ये छोटा भी लगा हुआ है, चेक कर, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। सुबह का टाइम है, अभी क्या करें यार, सोलर पे लगा ली है। तो ये जो दूसरा बाइक है इसकी भी चाबियाँ गुम हो चुकी है और ये भी नहीं मिल रहा है। व्यूअर, जैसे कि मैंने बताया था कि छोटी सी व्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाई है, मोटो व्लॉग। ये चेक कर, ये तंग गलियों में ये कीचड़, ओए होए होए, ये इस्लामाबाद की जितने भी गलियां है ना, मतलब साइड पे जो एफ सेक्टर को छोड़कर आई सेक्टर को छोड़कर, आई में भी तकरीबन यही सेम हालत है आई सेक्टर में, लेकिन ये चेक करो, ये बहुत ही ज़्यादा कीचड़ इन लोगों ने छोड़े हुए होते। ये चेक करो, रोड के ऊपर भी कीचड़, साइडों पे भी कीचड़, ये चेक करो, मेन रोड पे ही कीचड़ कीचड़, यानी पानी यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है। तो ये मैं निकल आया हूँ वो जो गली में, क्योंकि मैंने वो गली में ऐसे एक बैटरी ली हुई है, तो उसके पास चलते हैं। तो ये वाली गली है मेरे ख्याल में जो गाड़ी आ रही है, हाँ जी यही वाली है। तो ये वेट करते, थोड़ी सी वेट करते यार, इसको जाने देते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। ये तंग गली में से हम निकल चुके, ये देखो राइट साइड पे इतने गंद लोगों ने ढेर लगाए हुए हैं। और ये है ये काम वाली ये मशीन है, तो ये कहते हैं यार फरमान भाई थोड़े से वेट करो, थोड़ी सी की वेट के बाद हम निकल चुके हैं। ये चेक करो, यहाँ पर भी कीचड़, ये गली कीचड़ कीचड़ होती है इस गली में, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है इसे, और यहाँ पर कीचड़ सूख चुका है, जो कि अच्छी खुशखबरी है, जो खुशी वाली बात है। और ये है वो जगह जहाँ से हमने बैटरी ली है। तो वो बंदे के पास जाते, दुकानदार साहब के पास जाते यार, उसे बैटरी लेते, और क्योंकि पैसे भी देने हैं 2019 रुपये मेरे ख्याल में उसके बाकाया थे। तो ये रही बैटरी वाली दुकान, और पूरे बाज़ार मतलब होल सेल की जो दुकानें हैं या होल सेल की मार्केट है, वहाँ से बैटरी नहीं मिली, लेकिन यहाँ से मुझे मिली है फाइनली। मैंने उस्ताद जी को बोला कि यार अभी लगा ले बैटरी, तो ये निकाल रहे हैं, चार्ज पे लगी हुई थी ये बैटरी, बकाया ये बिल मैं उसको दे रहा हूँ ताकि ये बिल वो देख ले। और ये 2000 रुपये भी निकाल रहा हूँ, ये 1900 रुपये मेरे ख्याल में उसके बकाए थे उस बिल में, बकाया उसको दे दिए। तो वो ये कह रहा है कि मैं लगा लूँ आना, मैंने कहा लगा ले यार। तो ये चाबी से यहाँ पर इसके लिए कॉल लेते हैं ताकि ये बैटरी लगा ले। ये चेक करो, पहले ये बैटरी थी, अब भी ये रेड वाली बैटरी है, मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये चेक कर, ये है बैटरी, ये वाली अभी लगाई है वोल्डो, पहले कौन सी कंपनी थी, पहले ओसाका थी। तो यार ओसाका ने 1 साल तक मुश्किल से काम निकाला है। तो सामने है क्या झूला यार, इलेक्ट्रिक झूला वो देख रहे हो, इसके पास भी आपको लेके जाते है कि ये किस तरह चलती है। ये चेक करो, ये है इलेक्ट्रिक झूला यार, झूला है झूला नहीं है, वैसे आप लोग मजाक करते हो, झूला झूले को झूला बोलते हो। ये चेक कर, बगैर किसी सहारे के चलता है, हर टाइम बच्चे आपके खुश हो जाएंगे अगर आप ये ले लोगे। और क्योंकि ये बैटरी का काम शुरू हो चुका है, तो यार ये जो मिस्त्री साहब है या दुकानदार साहब है, जैसे इसने कैमरा देखा तो वो कहते हैं ना, नर्वस सी हो जाता है ये बंदा,
नर्वस हो गया है और अभी स्पीड से काम नहीं कर रहा है, तो अभी वेट करते हैं। और ये रश बढ़ चुका है मेन रोड पे, ये मेन रोड तो नहीं है तकरीबन गली समझो, क्योंकि मेन रोड को के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रश होती है, लेकिन गली में भी आज रश है। ये चेक करो मिस्त्री साहब, ज़रा जल्दी करो यार। वो कह रहे यार जल्दी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर क्या बोलते हो यार, उसको क्या बोलते हो, आई डोंट नो। वो कह रहा है कि मेरे ऊपर आपने कैमरा लगाया हुआ है, तो इसी वजह से मैं नर्वस हो चुका हूँ, क्योंकि माइक के इसी वजह से इसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी। यस, और सिर्फ मेरी आवाज़ आप सुन सकते हो, क्योंकि हेलमेट में है एक ही माइक। ये चेक करो, ये लोग आ चुके हैं नमाज से भी, और फाइनली मेरे ख्याल में एक किसने लगा लिया है पेच, या आप इसको क्या बोलते हैं यार, हम तो पेच ही बोलते हैं, ये जो अभी ये लगा रहा है। और पेच यार ज़रा जल्दी करो यार, मेरी वीडियो सारी ख़राब हो जाएगी। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ इसका कि यार जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए और मैं यहाँ से निकलो। ये यार अच्छी दुकानें इन लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर कचरा बहुत ही ज़्यादा लोग फैलाते हैं। ये साइड पे आप लोग चेक कर सकते हो, कचरा ही कचरा, मतलब ये सारी दुकान की खूबसूरती इन कचरों ने ख़राब की होती है। और ये चेक करो, ये स्पीड वाले गाड़ी जो स्पीड गली में भी स्पीडें मारते रहते हैं। चलो कोई नहीं, अल्लाह करे इसको अकल आ जाए और गली में कम से कम स्पीड ना मारा करें। फाइनली हो चुका है बैटरी का काम। बैटरी का काम होने के बाद अभी बारी हुआ चाहता है कवर लगाने की। ये लो कवर, इसके फिट करते हैं। ये रही चाबी, फिट हो गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम हो चुका है। और क्योंकि ख़र्चा बहुत ही ज़्यादा हुआ है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया 3300 रुपये का बैटरी लिए है, तो अभी ये 100 रुपये भाई जान कह रहे थे कि यार रहने दे, लेकिन मैंने कहा यार 100 रुपये दे दे वापस ही दे दे। और अभी यार स्टार्ट करते हैं कि यार स्टार्ट होती है कि नहीं, या वैसे 3300 रुपये का ख़र्चा किया है, तो यार किधर अभी इधर से स्टार्ट करें। ओहो हो, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है बाइक अपनी, पजीरो अपनी गाड़ी। और ये साइड पे या स्टैंड, ठीक है स्टैंड लगा हुआ है, तो ये साइड से निकलते हैं क्योंकि आगे जा रहा है ट्रक। और ये चेक करो, ये बहुत ख़तरनाक है, ये जो है ना, ये जहाँ पर ये लगाए हुए है सरिया, तो ये ख़तरनाक है और ये किसी भी वक्त पीछे गिर सकता है। तो इसे आप लोगों ने अगर बाइक पे हो या गाड़ी पे हो, तो बिल्कुल या तो आखिर पे जाना है आप लोगों ने, या आगे होने की कोशिश करनी है, लेकिन जल्दी से आगे होने की कोशिश कर, क्योंकि ये किसी भी वक्त आपके ऊपर गिर सकती है। ये रहा ट्रक, तो ट्रक के साइड से निकलने की हम कोशिश में है और ये कामयाब हो चुके हैं, तो क्योंकि हमने जाना है अपनी शॉप पर और ये नज़दीक ही है अपना शॉप, तो ये गली गलियों के अंदर अंदर से हम जाएंगे अपनी खूबसूरत सी शॉप पर। ये रही, ये जो कुछ दिन पहले आपको मैंने वीडियो बना के दी थी कि यार प्लीज़ वज़ीर आज़म साहब ये हमारी रोड बना ले, लेकिन बना नहीं। ये आगे जा रही है सरिया वाली गाड़ी, सरिया उसके ऊपर रखा हुआ है लोहा, इसको आप लोग, हम तो सरिया बोलते, आप लोग लोहा बोलते या जो भी बोलते हैं, तो इसके पीछे हम जाएंगे और दूर दूर तक जाएंगे। तो ये गली है, यहाँ से हम जाते हैं यार, क्योंकि आगे वाला जो रोड है उस पे टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा और लंबा भी पड़ेगा, तो यहाँ से निकलते हैं इस गली में। और ये हम निकल चुके हैं इस गली में, यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा पानी होता रहता है, हर टाइम पानी यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि तकरीबन शाम हुआ चाहता है, तो मामूली पानी है, लेकिन बकाया सूख चुका है ये एरिया। ये अफ़गानी देखो, ये अफ़गानी
और ये जिसको बोलते हैं उज़्बक या अफ़गानी जो भी बोलते हो, ये लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और तकरीबन 60-70% जो अफ़गानी है यहाँ पर रहते हैं, बकाया पाकिस्तान में भी रहते हैं लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ये चेक करो, ये गली का हाल। ये रहा व्यूअर्स मेन रोड, और बस अपनी दुकान नज़दीक है तो मेन रोड पे आ चुके हैं। ये चेक करो, ओए होए होए ओए होए, मामूली बच गया। और क्योंकि मैं साइड पे भी था लेकिन ये गाड़ी वाले ने कहा नहीं, हमने तो आपको ठक्कर मारनी है, तो इस तरह के लोगों के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। तो आप लोगों ने जैसे कि वीडियो में देखा कि मैं कितना साइड पे जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने साइड पे कर दी है बाइक, मेरी बाइक के साथ गाड़ी लगा लिए। सॉरी, क्योंकि मैंने बाइक का बोला तो ये आ चुका हूँ मैं अपनी दुकान पर। ये चेक करो, अपनी खूबसूरत सी बोर्ड यहाँ पर लगी हुई है। तो हम क्योंकि पहुँच चुके तो बाइक खड़ी करके यहाँ पर हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये अभी ताले खोल लेते हैं। आप लोगों के लिए मोटो व्लॉगिंग फिलहाल यही तक है ना, तो एंड करते व्लॉग। अच्छा यूट्यूब व्यूअर, तो आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग पसंद किया होगा। पसंद न भी किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना फरमान भाई के चैनल को। और अभी कौन आ चुका, ये चेक करो, ये डॉन वाले आ चुके हैं। डॉन 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 डॉन, और इसके पास मैं आपको दिखाता हूँ यार क्या क्या, इसके पास क्या क्या चीज़ें होती है यार। ये चेक करो, इसके पास ये सारे आइटम्स होती है। तो ये इसके बीच में से ये डॉन वाली जो ब्रेड होते हैं वो रखे हुए होते हैं। तो आई होप आप लोगों का आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद ना भी आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना फरमान भाई के चैनल को। तो अभी के लिए ठठा, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।